हेलो फ्रेंड्स, वेडिंग एल्बम डिजाइनिंग के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो आप वेडिंग एल्बम डिजाइन करेंगे उसके लिए सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना है। तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगा डाइफोटेक का एल्बम क्विकर प्रो सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर में आप ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों प्रकार से आप एल्बम डिजाइन कर सकते हैं। ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे आपको लगभग 2500 से 3000 पेड करना पड़ेगा इस सॉफ्टवेयर को बाय करने के लिए, और इस सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हैं। आप इस सॉफ्टवेयर को बाय करने के लिए इनके ऑफिशियली वेबसाइट difotech.com से जाकर भी देख सकते हैं इसका प्राइस कितना है और यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन जो भी आप देखना चाहते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पे सबसे पहले ओपन करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, क्रिएट न्यू पे आ जाना है और यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। तो हम प्रोजेक्ट नाम यहाँ पे वेडिंग रख देंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको जिस फोल्डर में आपने वेडिंग का फोटो सेलेक्ट किया है उसको यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम ऐड का बटन क्लिक करेंगे और फोल्डर को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओके प्रेस करना है। अब फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद आपको फोटोशॉप पे आ जाना है। ये सॉफ्टवेयर फोटोशॉप में ही रनिंग करेगा। अब यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट ओपन कर लेना है, तो हम कोई सा भी एक टेम्पलेट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको इन फोटोज़ के हिसाब से टेम्पलेट ओपन करना है जिससे कि टेम्पलेट में सही सही फ़ोटो फिट हो जाए। अब यहाँ पे आपको जिस बॉक्स में फोटो इन फोटोज़ को फिट करना है उस वाले बॉक्स के लायर को यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। तो इस वाले बॉक्स में हम ये वाला फ़ोटो फिट करेंगे। इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम फोटो में आके यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है जिससे कि ये वाला फ़ोटो यहाँ पर फिट हो जाएगा और यहाँ पर जो फ़ोटो यूज हुआ है वो यहाँ पर यूज्ड भी लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पे दूसरा वाला बॉक्स में फिट करेंगे। आपको यहाँ बॉक्सेस के हिसाब से फोटोज़ को जमाना है, एक दो फोटो आगे पीछे हो जाएगा तो भी चल जाएगा। फोटोज़ को जमाने के बाद आपको ठीक से रिसाइज कर लेना है, जैसे कि ये वाला फ़ोटो ठीक से यहाँ पे सेट नहीं हुआ है, तो यहाँ हम कंट्रोल टी प्रेस करके यहाँ से ठीक से हम इसे छोटा करके जमा लेंगे इस वाले बॉक्स में। अब यहाँ पे फोटोज़ को ठीक से सेट करने के बाद आपको यहाँ क्लोजअप फोटोज़ को ओपन कर लेना है और ये वाले जो राउंड शेप हैं उनमें यहाँ फिट कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लोजअप फ़ोटो ओपन कर लेंगे। आपको यहाँ बॉक्स के हिसाब से यहाँ पे क्लोजअप फोटोज़ लगाना है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कौन सा वाला फ़ोटो ठीक आएगा बॉक्स में। तो हमने यहाँ फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है, अब उस फोटो को ड्रैग करके फोटोशॉप में जाना है और यहाँ पे हम ये वाला फ़ोटो राउंड वाले शेप में हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसके ऊपर वाला जो लेयर है उसको सिलेक्ट कर लेना है, ये वाला लेयर, और यहाँ पे इस फ़ोटो को ड्रैग करते हुए उसके ऊपर में लाके छोड़ देना है। अब यहाँ पे हम इसको क्लिपिंग मास्क दे देंगे। यहाँ पे आप शॉर्टकट की कंट्रोल अल्ट जी से भी क्लिपिंग मास्क दे सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेंगे और ठीक से यहाँ पर सेट कर लेना है। अब यहाँ पे हम ये वाला जो इलाका है यहाँ पे भी एक क्लोजअप सेट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम एक नया क्लोजअप ओपन कर लेंगे। तो उसके लिए हम ये वाला जो क्लोजअप है उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इसको यहाँ पे ड्रैग करके ले आना है।
और यहाँ पे फिर से आपको रिसाइज करके छोटा कर लेना है और यहाँ पे ठीक से सेट कर लेना है। तो इस चैप्टर में आप इस तरह से वेडिंग एल्बम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपको सिंपल पेजेस को डिज़ाइन कैसे करना है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।